हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहते हैं सुखी रहना चाहते हैं पर जब तक हम अपनी जीवनी ऊर्जा को एक लक्ष्य के ओर नहीं मोड़ते करीब करीब असंभव होता है और जीवनी ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए प्रण लेना पड़ता है आजादी का अमृत महोत्सव से हम अमृतकाल के ओर चल पड़ रहे हैं इस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पांच प्रण दिए हैं जो हम सबके बड़े दिल के करीब के हैं है ना तो उसमें मुख्य बात यह है कि हमें हमारा देश अग्रसर हो सब तरह की इसमें डेवलपमेंट हो प्रगति पर देश की ये परिकल्पना हमारे हर एक के दिल में होनी चाहिए ये एक बात दूसरी बात है जो पुरानी जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है उससे हमें बाहर आना चाहिए हमारे देश में जो संपत्ति है सांस्कृतिक संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति और तांत्रिक का और वैज्ञानिक संपत्ति इस पर हमें गर्व करना चाहिए जब तक हम अपने मूल को नहीं पहचानते हैं मूल पर गर्व नहीं करते हैं हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते वो प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगा इसलिए बहुत आवश्यक है ये लें कि हम अपने मूल को आदर करेंगे सम्मान करेंगे आपको पता है भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है गणित दिया है जीरो दिया है और महीनों का नाम जो है नवंबर दिसंबर जनवरी सब अंग्रेजी में बोलते हैं वो सब संस्कृत में है सत्तर प्रतिशत अंग्रेजी भाषा संस्कृत से भरा हुआ है और हम इस बात को जानते ही नहीं हम अपनी विरासत को सम्मान नहीं करते ये अवश्य है हमें इस पर गर्व करना चाहिए ये प्रणलिय हम अपने मूल को अपनी भाषा को हर प्रांत में अलग अलग भाषा है अलग अलग व्यंजन है अलग अलग तरह के हमारे पोशाक है इन सब पर हमें गर्व होना चाहिए फिर एकता ही देश की बल है दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा इतनी वैविध्यता और इस वैविध्यता में एकता को देखने को और सबको साथ में लेके चलें सबको गले लगाते चले और उस एकता पर भी हमें सबको प्रण लेना चाहिए अक्सर हमारा ध्यान अपना मांग पर रहता है अपना ज़रूरतों को पूरी करने पर हम लगे रहते हैं अपना हक पर अपना ध्यान देते रहते हैं मगर अपना कर्तव्य पर कम देते हैं ये, ये बदलना पड़ेगा इसलिए हम इस अमृतकाल में ये प्रण लें कि हम कर्तव्य परायण रहेंगे देखिए हम चाहते हैं हमारे चारों ओर लोग सब कर्तव्य परायण रहे सब अपना अपना काम करें तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं तभी हम सुखी रह सकते हैं हम भी ये बोले ना हम अधिक से अधिक, अधिक अपना जिम्मेदारियां लेने लगेंगे जीवन में उतने ही हम बलशाली होएंगे अब भारत पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है इस वक्त हम पूरे दुनिया की जिम्मेदारी ले रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में ये यकीन दिला रहे हैं भारत बहुत श्रेष्ठ देश बनने जा रहा है इसमें बहुत आवश्यक है हम सब कर्तव्य परायणता का संकल्प लें कि हमारा सुख ये पांचों प्रण से बहुत गहराई से संबंधित है यदि जीवन में हमें आनंदित रहना हो हमें प्रण लेना बहुत आवश्यक है और हर घर में हम तिरंगा लहराए ध्वज को संस्कृत में केतु कहते हैं केतु जहाँ है मतलब वहाँ ज्ञान है वहाँ सुकून है आनंद है और जो भारतीय सुरिनाम में ट्रिनीडार्ड में और अन्य देशों में फिजी वगैरह में रहते हैं वो उनके घर पे झंडा लगा के रखते हैं वो झंडा दिखाता है कि हम जागृत हैं हम जीत रहे हैं हम अपने मूल को पहचान रहे हैं तो इसलिए हर मंदिर में हर मस्जिद में ध्वज होता है इस अमृत महोत्सव में तिरंगा हम घर घर पे भी लहराएं और एक उत्सव का माहौल बनाए सब मिलकर के विविधता में एकता भारत की श्रेष्ठता है हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव को एक अद्भुत और अनोखा बनाएं जय हिंद वंदे मातरम